बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ सर जमील यूसुफ मौजूद हैं, जो कि पाकिस्तान के अंदर बड़ी खिदमात हैं। अभी इस वक्त चेयरमैन टीपीएल हैं। उन्होंने एक कंपनी बनाई टीपीएल के नाम से, फिर फाउंडर सीपीएलसी रहे, और फिर आई एम कराची के अंदर फाउंडिंग मेंबर्स थे। फिर इनको 1992 के अंदर सितारे शुजात प्रेसिडेंशियल अवार्ड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने दिया। तो सर बड़ी खिदमत है, हम इनका एक पूरा जर्नी को समझेंगे कि कहाँ से, कौन सी स्कूल से पढ़ा, और फिर किस तरीके से ये सारी खिदमत इन्होंने अंजाम दी। तो सर सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम आजाद। अच्छा सर, सबसे पहले आपकी खिदमत की तरफ तो हम आएंगे, लेकिन अपनी स्कूलिंग के बारे में थोड़ा सा बताएं कि कौन सी स्कूल में थे, कौन से एरिया में थे, और फिर सबसे पहले कहाँ जॉब की या बिजनेस से स्टार्ट किया। सो स्कूलिंग से लेके फर्स्ट जॉब या बिजनेस तक का सफर। स्कूलिंग हमारी, बिकॉज हम आए हुए थे तो जमशेद रोड पे रहते थे, कराची वो इतना एक्सपेंडेड नहीं था, तो स्मॉल, वेरी अच्छी क्लीन सोसाइटी थी, बेहतरीन एनवायरनमेंट था। हमारे घर के नज़दीक का स्कूल जो था वो सेंट लॉरेंसेस था, सेंट लॉरेंसेस बॉयज स्कूल। इट्स अ मिशनरी स्कूल, जैसे सेंट पैट्स है, सेंट जोसेफ, उस तरह का सेंट लॉरेंसेस था। वहाँ हुई, और मैं जो भी आज हूँ तो मैं क्रेडिट स्कूल को देता हूँ कि वो मिशनरीज का जो एजुकेशन का पढ़ाने का तरीका है वो कंप्लीट है, फुल डिसिप्लिन है। वो सिर्फ बुक्स और एकेडमिक्स पर नहीं रुकते हैं, वो सारी एक्टिविटीज को आपकी, लाइक आपने नाखून काटे नहीं काटे, रुमाल आपके पास जेब में है नहीं है, डिग्निटी ऑफ लेबर के लिए हमारा एक हफ्ते का सेशन होता था। हमें झाड़ू मारना पड़ता था, क्लासरूम्स को डेस्क साफ करना पड़ता था, शीशे साफ करना पड़ता था, उसका मंथली अवार्ड भी होता था कि विच इज द बेस्ट क्लीन क्लासरूम। तो ये तरबियत हमारी सब उस एज पे, यंग एज में हुई है, और मेरा ख्याल है डिग्निटी ऑफ लेबर की वजह से आज ये है कि मैं भले चेयरमैन हूँ फुल कॉर्प कंपनीज का, बट कोई भी एम्प्लॉय है मेरा, चाहे वो जैनिटर हो या कोई भी हो, वो सब आ सकते हैं कमरे में, कोई वो इशू नहीं है। वो ईगो नहीं है, कोई वो चीज नहीं है कि किसी को बायकॉट करने के लिए। तो मैं जैसे बताया, रुमाल तक जेब में होना हमें सिखाया गया है, और आज आप देख लें कितने बच्चों के जेब में रुमाल होता है या कुछ होता है। तो ये चीज ओवरऑल डिसिप्लिन था, माशाल्लाह वी डिड वेल। हम लेट होते थे तो उसकी पनिशमेंट होती थी, बाकायदा कैनिंग होती थी। आजकल तो उसको कॉर्पोरल पनिशमेंट में गिना जाता है कि बच्चा चाहे फिर बाद में बंदूक उठाए और दूसरों को थ्रेट करे, बट यहाँ तो हमें मजे की बात यह है कि केनिंग करते थे पैर पे, थाईस पे नीचे, और हम जब घर जाते थे तो लाल निशान होते थे, तो हम पहले बाथरूम में जाके पैजामा पहन लेते थे कि अगर माँ बाप ने देख लिया ये निशान तो घर पे भी पिटाई होगी। ये नहीं था कि पेरेंट्स सिंपैथी के लिए स्कूल जाएंगे बोलने के लिए, नो, छुपाते थे हम, वरना माँ बाप कहें क्या गलत किया था तुमने, बताना पड़ेगा उनसे क्यों कैनिंग हुई है, ऐसी तो नहीं होती है कैनिंग। तो ये अच्छी बात है, और आई थिंक इसकी वजह से हम एक ओवरऑल डेवलपमेंट जो होता है इंसान का वो हुआ। सही। तो सर फिर स्कूल लाइफ से फिर कॉलेज कौन सा था उस जमाने में, और फिर फर्स्ट आपकी जो जर्नी है जॉब या बिजनेस कहाँ से स्टार्ट किया? स्कूल के बाद फिर ऑफकोर्स नेशनल कॉलेज गए, मैं इन साइंस, देन पॉलिटेक्निक में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। उसके बाद मैंने एक छोटा सा एक प्लांट लगाया था टेक्सटाइल एसेसरीज का बनाने के लिए, डायरेक्ट मैं नौकरी वोकरी तो नहीं किया था, वालिद साहब थे अच्छे, कंपनी सेक्रेटरी थे काफ़ी लीडिंग कंपनीज के, और पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन के लेट यूसुफ अहमद थे, प्रोफेशनल्स थे सारे, चाचा ये मेरे वालिद साहब बनवा। तो ये छोटा सा हमने एक प्लांट लगाया था टेक्सटाइल एसेसरीज का, वो हमारा इब्तदा था, शुरू हुआ था। फिर उसकी एक्सपेंशन हुई, फिर हमने कंस्ट्रक्शन में गए, तो तारिक रोड पे पहला प्लॉट लिया था जो शालीमार सेंटर बना था, पहला शॉपिंग अच्छा सेंटर था उस लेवल का, जिसमें बहुत अच्छा डिजाइन करके बनाया था।
खुला खुला था, बड़ी दुकानें थी, वो नहीं था कि छोटे कबूतर खाने बनाए जाए। तो कंसेप्ट उस वक्त से चलता था जो सक्सेस है। क्वालिटी, कराची में आप क्वालिटी वर्क करें और आपको बिल्कुल अप्रिशिएट किया जाएगा। लोग पता नहीं क्यों नहीं ज्यादा पैसे बनाने के चक्कर में करते रहते हैं और कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कट करते हैं लूज एंड्स, वो जो नहीं होनी चाहिए। लाइफ में कुछ असूल और प्रिंसिपल्स होने चाहिए। तो वो हमने बनाया, उससे बड़े सक्सेस हुई। बिजनेस पार्टनर्स थे तो ये प्रॉपर्टी का डेवलपमेंट हुआ, दो चार और किए एंड बिजनेस भी एक्सपैंड हुआ। उसके बाद बच्चों ने तालीम ली, मेरे बेटे ने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की, लंदन गया, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पहले ग्रेजुएशन किया, फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट बना वो 95 में। फिर वो वापस आया करके वहां से चार्टर्ड अकाउंटेंसी, और फिर उसने जॉब किया बाद में, उसने खुद बिजनेस सेटअप किया जिसमें मैंने उनको हेल्प किया। सर तो ये बिजनेस वगैरह सब कुछ चल रहा था और ज्यादातर जो गुजराती स्पीकिंग कम्युनिटी है, मेमन कम्युनिटी है, उनका बिजनेस से ही ताल्लुक रहता है और इस तरह बहुत सारी जर्नीज हमारे सामने। लेकिन ये सीपीएलसी बनाना और पुलिस और ये सारी चीजों में ये कब जहन में आया और फिर यानी ये जो कौम की खिदमत वाला एक एलिमेंट है जो बहुत ज्यादा आपके अंदर दिखता है आज तक, तो ये कब जहन में आया और फिर इसको एग्जीक्यूट कब किया और कौन कौन लोग आपके साथ थे इसमें? देखिए, ये जो मेरा सोशल पार्ट है लाइफ का, वो सिर्फ सीपीएसई से नहीं शुरू हुआ था। हमारी कम्युनिटी है खुजा कम्युनिटी इश्नाशरी, ओके, उन्होंने पहले स्कूल्स बनाए थे, उसमें मैं स्टार्ट मेरा वहीं से हुआ था सोशल लाइफ का, कि स्कूल्स बनाए तो उसमें मैं बोर्ड मेंबर था फ्रॉम दैट टाइम। विडोज के लिए अपार्टमेंट्स बनाते थे, ट्रस्ट करके था, उसमें भी मैं बोर्ड मेंबर था। और ये स्कूल्स बनाया एजुकेशन के लिए और फिर शायद नोन हो गए, अच्छा सेटअप हो गया। सीपीएलसी बनाया गवर्नर फखरुद्दीन जी इब्राहिम साहब ने, लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रहा था, उन्होंने बनाया। एक बिजनेसमैन ने उनको एक रिसेप्शन दिया था बागे जिला में, ये वाहिद गवर्नर है जिसको जब अपॉइंट हुआ तो एक रिसेप्शन मिला सिटीजंस का, सिटीजंस ऑफ कराची का, और आज तक उसके बाद किसी को नहीं मिला। तो वहां पे बिजनेसमैन ने कहा कि जी हालात सही नहीं है, टेररिज्म है, किडनैपिंग्स हो रही हैं, तो और पुलिस पर कॉन्फिडेंस नहीं था। ये बड़ी सैड ट्रेजेडी है हमारे कंट्री में कि जब सिटीजंस और पुलिस में अंडरस्टैंडिंग और ट्रस्ट नहीं डेवलप होगा तो इसका फायदा सिर्फ क्रिमिनल को हो सकता है और किसी को नहीं। तो एडवांटेज क्रिमिनल को जाता है। तो उन्होंने, ये ब्रेन चाइल्ड था फखरुद्दीन इब्राहिम साहब का, कि उन्होंने कहा कि अच्छा मैं सिटीजन पुलिस लाइजॉन कमेटी नाम रखा उनका, मैं कुछ बिजनेसमैन ले लेता हूँ, एक चार पुलिस स्टेशन में हम उनको डाल देते हैं ताकि कोई भी सिटीजन को इन पुलिस स्टेशन में प्रॉब्लम हो तो वो उनसे रब्ता कर सकते हैं, वो उनको मदद करेंगे। तो उसकी नोटिफिकेशन निकली, कमिश्नर की नोटिफिकेशन थी अप टू दैट लेवल। तो चार थाने थे अच्छे फ्लुएंट एरिया के, क्लिफ्टन था, फिरोजाबाद था, बहादुराबाद था, और एक इंडस्ट्रियल एरिया का, ताकि अगर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो तो लेबर यूनियंस के साथ बैठ के समझौता करा सकते थे। तो हमें इंडक्ट किया था वेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग के साथ कि आप पुलिस पर हुक्मरान बन के नहीं आ रहे हो, बट एक लैजॉन बॉडी की तरह, कि पुलिस का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और सिटीजन जो प्रॉब्लम में है उसको साफ इंसाफ मिल जाए और उस पर कोई नाजायज चीजें ना हो। तो आइडिया सारा ये था कि नाजायज कोई काम नहीं होना चाहिए किसी हालत में भी। तो ये एक 6 महीने चला मॉडल, मैं फिरोजाबाद में था, अच्छा हमने एक फंक्शन किया था फुल रंगून वाला हॉल में, भरा हुआ था हॉल, यू नो, जो पुलिस ऑफिसर ने अच्छा काम किया, हमने को बड़े तोहफे शोफे नहीं दिया उनको, हमने बुके और फ्लावर्स दिया, खड़े होके स्टैंडिंग ओवेशन दिया, उसमें सारा कल्चर चेंज हो गया। आईजी साहब थे, डीआईजी साहब थे, कमिश्नर थे, उन्होंने देखा कि ये ब्रांड जो है लोगों का ये अलग है, ओके, ये वाकई सिटीजन्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं और पुलिस की मुश्किल को भी देखते हैं ये, ओके। तो और जो हम, मैं था फिरोजाबाद में, तो वहाँ के लिविंग क्वार्टर्स जो थे बड़े खराब थे पुलिस के, जाहिर है जब आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे, अच्छी चीजें नहीं देंगे, तो फिर क्वालिटी आपको सर्विस भी वैसी मिलेगी। सर वो तो आज भी उनका हाल बुरा ही है, वो क्वार्टर्स तो आज भी ऐसे।
इट्स सैड, बहुत बहुत ही अजीब बात है कि हम इसमें क्यों नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं। हर हर हुक्मरान आता है, उसको पुलिस को नौकर बनाने का ज्यादा शौक होता है, सर्विस द पब्लिक के लिए नहीं होता, वो कंसेप्ट ही नहीं होता कि वो सर्विस ओरिएंटेड पुलिसिंग को डेवलप करें। ये सब चीजें आती हैं उस कंसेप्ट के साथ। बहरहाल फखरुद्दीन खान साहब ने ये सेटअप कर लिया, वो बड़ा सक्सेसफुल मॉडल हो गया। तो फिर उसको नोटिफाई किया, पुलिस रूल्स अमेंड करके हमें लीगल कवर दिया, ऑनरी मजिस्ट्रेट पावर्स दिए गए, जस्टिस ऑफ पीस के पावर्स दिए गए, और गवर्नर हाउस में एक ब्लॉक को सीपीएलसी का मेन हेड ऑफिस बना दिया। तो उसके बाद जाहिर है किडनैपिंग्स हो रही थी, टेररिज्म हो रही थी, उसमें मैं इन्वॉल्व हो गया पुलिस के साथ पहले। और इतनी माशाल्लाह से, वो तो अल्लाह की नेमत है कि आप नेक काम करें तो अल्लाह में आपको सात आदमी की अकल देता है, वरना हम खोजे बिजनेसमैन, यू नो, हमारा लॉ एंड ऑर्डर से क्या ताल्लुक, यू नो, हम तो दूर ही भागते हैं चीजों से, झगड़े फसाद से या कोई भी चीज से। तो उल्टा हम डाकू के पीछे भाग रहे हैं, लोग डाकू से भागते हैं, हम डाकू के पीछे भाग रहे थे, ये हो गया था। एक एक तरह का एक मिरेकल था अल्लाह की तरफ से। तो किडनैपिंग में मेरी एक्सपर्टीज होगी, वॉइस मैचिंग करना, किडनैपर्स का पैटर्न डेवलप करना, ये ना हर आदमी का ह्यूमन पैटर्न होता है, सुबह उठते हैं, चाय पीते हैं, वॉक करते हैं, जाते हैं, वो रोज का चलता रहता है। तो क्रिमिनल का भी पैटर्न होता है, किधर वो करता है वारदात, क्या करता है, हमें ये पढ़ना चाहिए। ओके, क्यों वो मशहूर सेइंग है ना, क्राइम डज नॉट पे, ओके, और क्रिमिनल लीव्स अ फुटस्टेप, बिल्कुल लीव करता है। हम जाहिल हैं कि हम नहीं देखें सही तरह, ये हमारा फॉल्ट है, हम उसको सही तरह असेस नहीं करें किधर है। तो माशाल्लाह से ये मैं बीच में इन्वॉल्व हुआ, नेगोशिएशंस में फैमिलीज के साथ उनको ट्रेन करता था कैसे बात करनी है, माँ को, बाप को, यू नो, लेडी से जब किडनैपर्स बात करते हैं तो जरा सॉफ्ट होते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि अगर घर में कोई बेटी या कोई माँ अच्छी बात करने वाली हो तो हमें उसको ट्रेन कर देता था, वरना कोई भी जो अच्छा स्पीक कर सके, घबराए नहीं, कुछ नहीं होता। किडनैपर ने पैसे के लिए किडनैप किया, वो हार्म नहीं करता, वो ये असूल है, लंबा चलेगा नेगोशिएशन मगर वो हार्म नहीं करता, उसने उठाया पैसे के लिए। और ये नेगोशिएशन कराता था मैं, सीखते थे, इससे मेरे पैटर्न बनता था कि किडनैपर ने कहाँ से उठाया, कौन सा ग्रुप है, वॉइस को हम ग्रुपिंग करते थे, यू नो, कौन सा ग्रुप है, कितने दिन रखता है, कितने पैसे में सेटल करता है। किडनैपर को नहीं पता कि हम ये पैटर्न्स बना रहे हैं, ये तो हम हमारे ट्रेनिंग करने के लिए फैमिली को वो साइकोलॉजिकल पैटर्न्स बन रहे थे फोन बूथ से। फिर ये हुआ कि यहाँ के कोर कमांडर थे जनरल आसिफ नवाज साहब, उनके भी कोई रिलेटिव किडनैप हुए थे तो मैंने हेल्प किया था इसी तरह से, तो बड़े इंप्रेस हो गए थे। तो उन्होंने एक स्पेशल यूनिट दे दिया था कमांडोज का और उनका मिलिट्री इंटेलिजेंस का। नवंबर 1990 की बात है ये, जस्ट बिगनिंग, सब सब अप्रैल 1990 में सीपीएलसी गवर्नर हाउस में बनी थी, सितंबर 89 में सीपीएलसी पुलिस स्टेशन में बनी थी, और मैंने उस इंटेलिजेंस यूनिट के साथ काम किया। और हर 15 दिन बाद हम एक गैंग बस्ट करते थे किडनैपर्स का, यू नो, क्योंकि किडनैपिंग बहुत हो गई थी, बच्चों का, बिजनेसमैन का। और माशाल्लाह 2 साल में हमने किडनैपिंग की कमर तोड़ दी है, वरना ये एक कोलंबियन स्टेट बन जाता जहाँ पे ये फेमस होते हैं किडनैपिंग करने के। तो खैर लोगों को पता नहीं है कि क्या सर्विसेज हुई है। और ये 1.5-2 साल में जो किडनैपिंग वाइप आउट की, इसके लिए मुझे रेकमेंड किया था, वो भी जनरल आसिफ नवाज साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन गए थे, उन्होंने रेकमेंड किया था मुझे वो सितारे शुजात, ये ब्रेवरी के लिए दिया जाता है अवार्ड। और अभी तक जब मुझे दिया, ये मरने वाले को देते थे, कोई आदमी जिंदा नहीं था, ये पोस्टमॉर्टम से अवार्ड होता था नॉर्मली। हम माशाल्लाह पहले थे जिनको 1.5 साल के अंदर प्रेसिडेंशियल अवार्ड मिलना, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, बट उनकी काइंडनेस थी, काम देखा, अप्रिशिएट किया, और किडनैप उसको पकड़े, इतने सबको सबको कन्विक्शन हुई। ऐसा नहीं हुआ कि कोई एक्विट हुआ, जो नॉर्मल ट्रेंड है, यू नो, पकड़े गए तो एक्विट हो रहे हैं। उससे फिर वो गाड़ी की चोरियां होती थी तो उसको मॉनिटर करना, उसको कंप्यूटराइज करना, गवर्नमेंट ऑफ सिंध को हेल्प करना, लियाकत जतेही साहब थे अपने मिनिस्टर एक्साइज के, उनको बोलना कि मोटरसाइकिल रिकॉर्ड कंप्यूटराइज करें, बिकॉज ये सब डेटा मैनेजमेंट में काम आता है।
यू नो क्रिमिनल्स को पकड़ने में काम आता है, फेक नंबर प्लेट लगा रहे हैं, बैंक के बाहर लूट रहे हैं, तो ये सब साइंटिफिक, अभी आज का पुलिसिंग इज मोर ऑफ अ साइंस। वो जमाना चले गया कि 6 फुट का बंदा हो, बंदूक हाथ में हो, और ये हो, जरूरत नहीं। इट्स ऑल अबाउट डेटा, आईटी, स्मार्ट यंग बॉयज गर्ल्स हु हैव मोर इंटेलिजेंस। तो पुलिसिंग का कंसेप्ट इज टोटली चेंज। ये पहले होते थे जो एक चौकीदार होता था, डंडा लेके घूमता था, वो जमाना गया। और यू नीड इंटेलिजेंट किड्स, और अगर आप ये डेटा यूज करें तो आप देख लीजिए आईटी के यंग बच्चों को क्यों नहीं लगा सकते, पुलिस स्टेशन में लड़कियों को क्यों नहीं लगा सकते। आप अच्छी पोजिशन देंगे, आपको पढ़े लिखे शहरों में, अर्बन सिटीज के लाइक कराची है, लाहौर है, पिंडी है, बड़े शहर जो है, यहाँ आपको पढ़े लिखे पुलिस ऑफिसर्स चाहिए। तो आप अच्छा उनको एएसआई से शुरू करें, कॉन्स्टेबल से शुरू करने की जरूरत भी नहीं होगी आपको। कुछ डिग्निफाइड पोजीशंस देंगे, बच्चियां काम करेंगी, बच्चियां उसी जो जहां रहती हैं जिस मोहल्ले में, वहीं के पुलिस स्टेशन में उनको लगाएं आप, कैसे क्रिमिनल्स नहीं पकड़े जाएंगे। जब कम्युनिटी खुद मैनेज कर रही होगी पुलिस स्टेशन और उस लोकेलिटी की, तो जाहिर है किसी को कन्फाइड करने में कोई तकलीफ नहीं होगी। बच्चियों के पास चले जाएंगे, बताएंगे भाई ये नेबर मेरा आया, कोई नया मशकूक लगता है, मूवमेंट है, यू नो। तो क्रिमिनल्स को सर छुपाने की जगह नहीं, मगर हम ये अनफॉर्चुनेटली हमारा इतना पॉलिटिसाइज पुलिसिंग होती है कि हर पॉलिटिशियन चाहता है कि मैं पुलिस को यूज करूं मेरी चौकीदारी के लिए, मेरे काम करने के लिए, मेरी गवर्नेंस बढ़ाने के लिए। ये सारे रूलर्स का यही हाल रहा है अनफॉर्चुनेटली। सर ये अगर पूरा अगर हम देखें सिस्टम जो, यानी इस वक्त जो बर्बादी है और कोटा सिस्टम और वो, और कराची के लोगों को नौकरियां ना मिलना और वो सारे मसले हम साइड पर रखते हैं, लेकिन आप 1950s से पाकिस्तान के अंदर हैं और किसी न किसी मुख्तलिफ पोजीशंस पे हैं, आपने कब पाकिस्तान का डाउनफॉल देखा? क्योंकि मैं तो 26 साल का हूँ, मैंने तो पाकिस्तान का डाउनफॉल होते हुए ही देखा है। 2010 के हालात बुरे देखे, उसके बाद अब फिर हम पाकिस्तान छोड़ के इंग्लैंड आ गए कुछ महीने पहले, तो हमने तो हमेशा नीचे जाते हुए देखा है। कि आपने कभी अच्छा दौर भी देखा है और फिर इसको नीचे जाते हुए देखा है अपनी आंखों के सामने? देखिए हर मुल्क अपने आप सही नहीं होता। हम हर वक्त डिपेंड करते हैं कि अमेरिकन गवर्नमेंट करेगी, ब्रिटिश करेंगे, यूरोपियन हमको सपोर्ट करेंगे, नहीं ये करेंगे। हम अपने पैर पर खड़ा होना चाहते ही नहीं है, प्रॉब्लम हमारा ये है। अदरवाइज आपके पास कोई डर नहीं है खराब चीजों की, अच्छी चीजों की। आप जितना मर्जी कह दें, आपका एजुकेशन, अभी ये बच्चे जो बाहर जाते हैं क्यों एक्सेल करते हैं, एजुकेशन तो यहीं से ले रहे ना, और सब बच्चे एक्सेल करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, यू नो मच बेटर देन वहां के जो बच्चे पढ़े हुए होते हैं उनको बीट करते हैं। बेस्ट डॉक्टर्स यू हैव गॉट, बेस्ट साइंटिस्ट यू हैव गॉट, बेस्ट एडवोकेट्स, लॉयर्स, आप किस चीज में आपकी कमी रही है, यही है ना आपकी वेल्थ एंड ऑल दैट। बट अनफॉर्चुनेटली लॉ एंड ऑर्डर, जैसे मैंने आपको कहा, ये इंटरफेरेंस, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होना ही नहीं चाहिए। अगर रूल ऑफ लॉ आपने सही कर दिया तो मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट आने का कोई प्रॉब्लम नहीं। सर कौन करेगा, ये सवाल ही है ना कि क्यों नहीं हुआ। हमने तो अपने जवानी से लेके, यानी बचपने से जवानी आ गई, यही देखा कि 2010 में जो हालात थे, रोज 10-10, 20-20 बंदे मर रहे हैं। यानी अगर CPLC उस वक्त भी थी, फिर उसके बाद इदारे थे, सब कुछ था, ये सिलसिला बद से बदतर होता गया और आज जिस नैच पर हम पहुंच गए हैं कि एक सड़क आपको कराची में सही नहीं मिलती, रोडों का हाल बर्बाद। तो हम तो सुनते हैं यूब खान का दौर बहुत अच्छा था, हम तो सुनते हैं भुट्टो का दौर बहुत अच्छा था, हम तो नहीं थे उस वक्त, लेकिन नीचे ही जाता रहा। क्यों, कोई तो होता जो ठीक कर लेता, कोई तो होता कायदे आजम जैसा जो कुछ कर लेता, क्यों? यानी आप देखें, अगर आप अपनी जवानी को देखें, आपको एक अच्छा पाकिस्तान मिला था हाथ में, और जो हमारी नस्ल को मिला वो अनफॉर्चुनेटली, इसमें किसी को मैं ब्लेम नहीं कर रहा, बट अनफॉर्चुनेटली हमें क्या पाकिस्तान मिला? ये तो बड़ी अफसोस की बात है, वरना ये मुल्क इतना बेहतरीन है, क्या मैं बताता हूँ आपको कि कोई नज़दीक नहीं आ सकता। मैं इसका रीज़न आपको बताता हूँ कि आज जैसे आप कहते हैं कितना आपको बदतर मिला था, बट जितना सोशल वर्क यहाँ है और लोग जो डोनेशंस देते हैं, पाकिस्तान इज नंबर वन इन द वर्ल्ड। आप ये भी तो देखिए ना, तो लोग तो बेहतरीन है, हमारी बदकिस्मती है कि हम पर जो हुक्मरान आए हैं वो अच्छे नहीं रहे। ओके, अगर वो अच्छे होते तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन किधर से किधर ले जाता पाकिस्तान को, यू नो। एक जमाने में इट वाज लीडिंग, यूएई गवर्नमेंट, सऊदी, ये तो सब बाद में डेवलपमेंट्स हुई है ना, कतर, कुवैत, यू नो, ये चीजों का एक्सेल बाद में, पहले तो नहीं था।
यही है कि हम सॉरी बट आपका इलेक्ट्रल प्रोसीजर जो है उसमें यही वडेरे आते हैं। देखिए जब पार्टीशन हुआ इंडिया का पहले ही वडेरों को खत्म कर दिया। ओके अब निजाम वहीं थे ज्यादा किंगडम्स प्रिंसेस सबको आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर दिया। ओके यहाँ पे देखिए आज तक एग्रीकल्चर पर टैक्स ही नहीं है जब आप प्योरली एग्रीकल्चर बेस्ड हैं। रेवेन्यूज नहीं है गवर्नमेंट में, जब रेवेन्यूज नहीं होंगे टैक्सेशन में आप चोरी अलाउ करेंगे तो मुल्क कैसे डेवलप होगा, और जो डेवलप हो जितना उसमें आप करप्शन भी आप नहीं हैंडल कर पा रहे हैं तो करप्शन की वजह से भी आपको बेताशा नुकसान हो रहा है। तो इट इज सैड बट जैसे हमने सीपीएससी में काम किया कि भाई आप कब तक दूसरों पर डिपेंड करेंगे कि आपको हेल्प करें, तो ये हमने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल करके दिखाया कि देखिए ये विदाउट इंटरफेरेंस विदाउट सिफारिश विदाउट दिस थिंग प्योरली प्रोफेशनल लाइंस पे वर्क करते हुए एक पूरा एक सीरियस क्राइम को इरेडिकेट कर दिया। यू नो कंप्यूटराइज डेटा मैनेजमेंट, अब डेटा मैनेजमेंट करना ये बेनजीर की विजन थी कि उसने हमें सीपीएलसी को कहा। हाँ उसने तो मुझे बुला के मेरे कुलीग को मुझे बुला के कहा कि मैं चाहती हूँ कि आप क्रिमिनल रिकॉर्ड मैनेजमेंट करें। आप देखिए एक प्राइम मिनिस्टर के मुल्क में जिसके नीचे इंटेलिजेंस ब्यूरो है, आईएसआई उसको रिपोर्ट करती है, होम डिपार्टमेंट है, इंटीरियर मिनिस्ट्री है, इनका काम है क्राइम डेटा को कंप्यूटराइज करना। नो उसकी विजन देखिए आप, उसने हमको दिया ये टास्क कि मैं चाहती हूँ कि आप ये सारा क्राइम डेटा अपने सीपीएलसी के हेड ऑफिस में करें, लिंक रखें और इसको कलेक्ट करें। तो वी आर द फर्स्ट जिन्होंने क्राइम डेटा पूरा डेवलप किया ऑन कंप्यूटराइजेशन। आईबीएम के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, आईबीएम के साथ टीएसआर किया एंड बेनजीर अलाउड अस, जिसको लोगों को पसंद नहीं आया बट शी वाज द प्राइम मिनिस्टर, तो उसमें विजन तो था ना, ऐसा नहीं कि नहीं था। अब क्या वजूहत है जो बाद में जाके सब कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं हमें नहीं पता। हमें तो जो इंस्टीट्यूशन बना फखरुद्दीन साहब ने भी बेनजीर से कहा कि ये मैं चाहता हूँ कि यहाँ गवर्नर हाउस में बनाऊँ, हालांकि गवर्नर हाउस में पुलिसिंग का कोई ताल्लुक नहीं होता, चीफ मिनिस्टर का अंडर आता है ये प्रोगेटिव है, बट उसको न्यूट्रलाइज करने नॉन पोलिटाइज रखने के लिए न्यूट्रल रखने के लिए जरूरी था। तो ये यहाँ हुआ और हमने रिस्पेक्ट भी मिली। वही पुलिस ऑफिसर जिनको आप डरते हैं और नहीं करते हैं, वही पुलिस ऑफिसर्स ने हमको एक्सेप्ट किया। फर्स्ट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अपने ओवरसाइट बॉडी अपने पर रखा। क्या इनकम टैक्स वालों ने रखा है को ओवरसाइट बॉडी, एक्साइज वालों ने रखा है, हेल्थ मिनिस्ट्री ने रखा है। आप देख लीजिए कितना मैसिव यूसर्प्शन होता है पैसे का इन हेल्थ। हेल्थ में क्यों नहीं है ऐसी ओवरसाइट बॉडी, बिकॉज लोग यहाँ ज़कात भी बेताशा देते हैं। आप सोचिए अगर ये सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में एक ओवरसाइट बॉडी दे दें जिसके थ्रू ये पैसा खर्च हो, शहरी भी ज़कात वहाँ दे, गवर्नमेंट भी फंडिंग करे, तो वो हेल्थ सेंटर्स कैसे हो जाएंगे, बेहतरीन से बेहतरीन हो जाएंगे। देखिए ना आप आज देख रहे हैं कि आज गरीब से गरीब आदमी ये नहीं कह सकता कि मुझे खाना नहीं मिलता है, माशाल्लाह सबको खाना भी मिल रहा है। लोग ये भले गवर्नमेंट को छोड़ के हॉस्पिटल केयर है, एजुकेशन में TCF है, देखिए ना हॉस्पिटल केयर है, LRBT है, SIUT अदीब रिजवी साहब का। ओके मैं एक बैतुल सुकून को देख रहा हूँ, कैंसर वाइट कैंसर फ्री हॉस्पिटल है, यू नो टोटल, क्योंकि इतनी महंगी बीमारी है ये कि जिसको 4-5 लाख रुपए तनख्वाह है ना वो भी एक कैंसर पेशेंट एक घर का नहीं अफोर्ड कर सकता है। तो कोई हॉस्पिटल नहीं है पाकिस्तान में जो टोटली फ्री है। दिस इज द फर्स्ट टोटली फ्री हॉस्पिटल। हम माउथ नेक और ब्रेस्ट, वो कैंसर तो बहुत टाइप्स के होते हैं। ओके तो हमने हमारा रोल इन दो चीज पर लिमिटेड करके रखा हुआ है एंड माशाल्लाह वॉक इन है, कोई आपको एक पैसे का खर्चा नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अपने बिल्कुल करीबी रिलेटिव उसके अंदर गए थे तो मुझे इसलिए पता है कि वो बहुत अच्छी सर्विसेज हैं, तो आई कैन से हाँ बिल्कुल। अच्छा थोड़ी सी आप पॉजिटिविटी की तरफ आते हैं, जरा सा जो है ना बहुत ज्यादा टेंस बातें हो गई। आई एम कराची एक बड़ी जबरदस्त ऑर्गेनाइजेशन है, फिर इनका एक यूथ फेस्टिवल होता है हर साल और उसके अंदर पेंटिंग स्पीच और डिबेट्स डिक्लेमेशन और थिएटर और बहुत यानी एक नेक्स्ट लेवल इवेंट होता है जिसके अंदर हर बंदा यानी फ्रॉम खारदर टू डिफेंस हर बंदा पार्टिसिपेट कर सकता है, इट्स वेरी ओपन। ये आइडिया कब आया, ये कौन लेके आया? आर्ट्स काउंसिल को जो अभी जो एक अच्छा वाला आर्ट्स काउंसिल हम देखते हैं
जिसके अंदर से बेहतरीन डिबेटर्स निकल रहे हैं, बेहतरीन मीडिया पर्सन निकल रहे हैं, बेहतरीन यूट्यूबर्स निकल रहे हैं। तो इसकी बुनियाद ये जो आई एम कराची है और यूथ फेस्टिवल है, ये इसकी बुनियाद किसने रखी और इसके ऊपर क्या था? देखिए, आई एम कराची जो है ये अमेरिकन गवर्नमेंट का स्पॉन्सर प्रोग्राम था, ओके, फॉर द यूथ अक्रॉस द कंट्री। उन्होंने काफ़ी जो इनकी फंडिंग्स आती थी तो बेतहाशा आता था। वो उनका पहले प्रोग्राम का नाम था समथिंग यूथ इनिशिएटिव और समथिंग दैट, ओके। उसको फिर कन्वर्ट किया आई एम कराची में, मुझे इनवाइट किया था कि आप प्लीज़ उसको चेयर कर लें। वो प्रोग्राम ख़त्म हो रहा था एंड मैं वॉशिंगटन गया था, वहाँ मैंने प्रेजेंटेशन दी थी कि इसके जो इन्होंने प्रोग्राम चलाया था उससे क्या बेनिफिट हुए, क्या आउटरीच हुई, ओके। तो वो हमने एक्सप्लेन किया कि इतना टेररिज्म के बाद, चीज़ों के बाद, हमने पहला जो फंक्शन किया था वो हमने अपना बेहतरीन एक म्यूजिक प्रोग्राम और इन चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया था, पोर्ट ग्रैंड में किया था, ओके। और मेरा ख्याल 9-10 साल बाद हुआ था, बच्चों को एक आउटलेट मिला, एक जाने के लिए, मिक्स करने के लिए। और वो चला था 1 हफ्ते के लिए, और माशाल्लाह से इतने लोग आए थे उसमें कि बेतहाशा रश था, और लोग लैपटॉप छोड़ गए थे, मोबाइल फोन छोड़ गए थे। तो लॉस्ट एंड फाउंड में जिस जिसने अपनी चीजें गुमाई थी वो सारी चीजें वहां से मिल गई। तो ये देखिए आप, ये यूथ है हमारा, लेवल ऑफ ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, कोई घूम रहा है, फिर रहा है, प्रोग्राम में भूल गया, लैपटॉप, लैपटॉप्स तक, मोबाइल फोन तक, जिसका किसी का पर्स रह गया था। तो लॉस्ट एंड फाउंड ऑफिस में आके सबको ये चीजें मिल गई। यहाँ से शुरू हुआ था आई एम कराची का। फिर डिबेट्स, देखिए ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है ना, ये यूथ के लिए बहुत जरूरी है, इनको ये आउटलेट चाहिए। हम हमारे डेज में डिबेट्स, मैं खुद स्पीकर था, डिबेटर था, और अच्छा, सब, हाँ, सब माशाल्लाह, जावेद जब्बार साहब, आशय साहब, तो एक से एक डिबेटर्स के साथ हम जाते थे, सीनियर्स हमारे साथ होते थे, और हम से ट्रेनिंग भी हमको मिल जाती थी, और अक्रॉस द कंट्री जाते थे, और पाकिस्तान लेवल पे होते थे डिबेट्स। अभी सुना नहीं देते नहीं नहीं सर, रिकॉर्डिंग वगैरह। अभी अभी भी डिबेट्स वो तो यूनिवर्सिटी लेवल पे तो अभी भी होती हैं, दूसरी यूनिवर्सिटीज में जाती हाँ हैं। जी, इवन बट पिंडी के हाँ अंदर भी बहुत बड़ा एक डिबेट कंपटीशन होता है, वो सब है अल्हम्दुलिल्ला, वो है। जी, बट नॉट ओनली यूनिवर्सिटी लेवल पे, नीचे लेवल पे भी करते थे इंकरेज, और बहुत अच्छी चीज है ये, बिकॉज ये आदमी को ओपन अप करती है, थिंकिंग प्रोसेस को और एक्टिविटीज को। तो वो एक बड़ा इंकरेजिंग साइन रहा है, हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की क्वालिटी। ड्रामास होते थे, शेक्सपियर के ड्रामास, बर्नार्ड शॉ के ड्रामास, तो हम ये एक्सपोजर मिल चुका था। और आर्ट्स काउंसिल में ये बेस्ट सेंटर था जिसको सपोर्ट किया गया, वन ऑफ इन द एक्टिविटीज। इसी तरह से फुटबॉल, फुटबॉल में था लियारी व्यारी का, वहां पे करने के लिए। फिर इटलजी दिनशॉ रोड हमने डेवलप किया, जो कस्टम हाउस और केपीटी की बिल्डिंग के साथ में है, एक रोड वहां पे भी हमने एक कम्युनिटी सेंटर बना दिया उधर, कि वहाँ बेतहाशा लोग रहते हैं, खारा दर के, मीठा दर के, वो भी हमारी अच्छी एक्टिविटी रही है एंड ऑल दैट। तो ये चीजों की वजह से आई एम कराची बड़ा सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा। वॉल पेंटिंग्स, देखिए दीवानों पे लोग एक दूसरे के खिलाफ सेक्टेरियन स्लोगन्स लिखते थे, सारे खत्म हो गए ना। पेंटिंग्स हमने शुरू की, ओके, पहले बिल्कुल, इसका क्रेडिट हमने जाता है। शुरू की रोड पे, वो जो TPX के जो गोडाउन के वॉल्स पर है, वो इतना कल्चर पिकअप किया कि मैं जब रोम गया तो मैंने वहां देखा दीवारों पर पेंटिंग्स हो रही है। तो ये पहली चीज थी जो कराची से बाहर गई यूरोप में, जो लोगों ने, वहां भी ऐसे होता था स्लोगन, अपने लोग पेंट लेके घूम रहे हैं, डिफेस कर रहे हैं, ये चीज हुई। और एक भी पेंटिंग, एक भी चीज को कभी डिफेस किसी ने नहीं किया। तो ये बताती है, देखिए, एक आपकी फिलंथ्रॉफी बताती है आप किस तरह के लोग हैं, ओके, और इस तरह का डिसिप्लिन में बताते हैं कि कैसा जबरदस्त डिसिप्लिन है, और चीजें हैं एक्सेप्टेबिलिटी की, प्रोवाइडेड आप लव एंड कंपैशन के साथ दें। तो जहां आप ये चीजें करेंगे तो आपको इज्जत भी मिलेगी, लोग फॉलो भी करेंगे, और पब्लिक इज एक्सलेंट। हमारा उस
ड्रॉबैक हैज बीन अनफॉर्चुनेटली वेरी बैड रूलर्स. अगर ये रूलर्स जरा भी अच्छे हो जाएं और सोच के देखें कि क्या हो रहा है, जैसे आप कह रहे हैं सारी चीजें यहाँ रोड वोड सब खराब हो गए. टैक्सेस में देखें, कराची सबसे ज्यादा पे मास्टर टैक्सेस का. तो ये अभी ओनली से दिस कि लोग अच्छे हैं, अपॉर्चुनिटी चाहिए, आपको इनकरेज करना है, तब जाके काम होता है. सही सही. अच्छा सर बिल्कुल, बस अब एंडिंग उसके ऊपर चलते हैं. तो अलमोड़ा स्कूल के हवाले से थोड़ा सी बात करते हैं, और CSS प्रोग्राम जो रिसेंटली लॉन्च हुआ था, क्या प्रोग्रेस है उसकी? अलमोड़ा स्कूल का तो खैर मैं खुद स्टूडेंट हूँ और मुझे पता है कि वहाँ से उसमें पता नहीं क्या ऐसी बरकत है उस स्कूल में, जो पढ़ता है वो कहीं ना कहीं बहुत आगे पहुंच जाता है. कोई इंग्लैंड में है, कोई ऑस्ट्रेलिया में, कोई कनाडा में, कोई पाकिस्तान में, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेज में लगा हुआ है, बड़ी बड़ी कंपनीज में लगे हुए हैं. अल्लाह ने पता नहीं उस स्कूल के अंदर क्या एक वो रखा है, और खास तौर पे जो आप लोगों की मेहनत है उसके अंदर और क्रेडिट आपको जाता है. और फिर बिलखसूस जो बोर्ड का आपने चेंज किया था और एक अच्छा बोर्ड लेके आए, जो कि छापे वाले और कॉपी पेस्ट वाले सिंध बोर्ड से बहुत बेहतर बोर्ड था, उसकी मैं यहाँ पे ये वो लूंगा कि इट वॉज वंडरफुल. उस वक्त आपने तमाम फेस किया वो चीज़ों को, और फिर भी आपने बच्चों की अच्छी एजुकेशन के लिए वो आज हमें फायदा देता है वो बोर्ड, और उस बोर्ड का होना, भले वो बोर्ड हो या ओए लेवल हो, दोनों अच्छे हैं, लेकिन सिंध बोर्ड बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि हमने इंटर पर सिंध बोर्ड से किया था और हमें बड़ा अफसोस होता था कि कहाँ हम एयर कंडीशन एग्जाम में पेपर्स दिया करते थे हबीब स्कूल में, और फिर हम जाके जहाँ पे पंखा भी नहीं चल रहा होता था वहां पे जाके हमने इंटर के पेपर्स दिए, अनफॉर्चुनेटली. तो बस एंड में 2 से 3 मिनट अलमोड़ा स्कूल के बारे में और CSS प्रोग्राम के बारे में कुछ बता देते. देखिए अलमुजा स्कूल तो मेरा पैशन था, जैसे मैंने कहा 1985 से मैं लगा हुआ हूँ, इट्स बीन अबाउट 35-37 इयर्स यू नो. और जो जैसे मैंने स्कूलिंग का आपसे शुरू की तरबियत ली, वही तरबियत हम हमारे बच्चों को देते हैं, तो क्यों नहीं सक्सेसफुल होंगे? रीजन एक यही है. बोर्ड की आपने बात की, यस हमारे बच्चे बेताश आ रहे थे, 90% में प्लस आ रहे थे, बट हम खुश नहीं हो रहे थे वो उनके रिजल्ट से. हमें पता था कि 90% का बच्चा नहीं है, कैसे आ रहा है, तो हमें उस एग्जामिनेशन बोर्ड का ही हमें क्रेडिबिलिटी डाउटफुल था. तो हमने 8-10 स्कूल्स थे, यू नो हबीब था, हम थे, और मामा पारसी है, BVS है, मिशन स्कूल है, एक नासरा स्कूल है, हमने सब खान यूनिवर्सिटी को रिक्वेस्ट की कि आप अपना एग्जामिनेशन बोर्ड बनाएं, जो खान यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन बोर्ड है, AKUEP. हम कहते हैं मेरे जमाने में कैम्ब्रिज की जरूरत नहीं थी, बोर्ड एग्जाम वाज द बेस्ट. मैं तो लोकल बोर्ड का पढ़ा हुआ एग्जाम, ओके, हम किसी भी ओ लेवल ए लेवल के साथ कम्पीट कर सकते थे, कोई मसला नहीं, बिकॉज क्वालिटी थी एजुकेशन की, राइट? तो और हमारे पास उस लेवल के टीचर्स ही नहीं है, बहुत कम जगह होता था कैम्ब्रिज हमारे मेरे टाइम पे. मेरा ख्याल कराची ग्रामर स्कूल था, सेंट जोसेफ्स में थोड़ा सा पार्ट था, सेंट पैट्स में कुछ थोड़ा सा पार्ट था, बस दैट्स इट. कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरीज थी, ये 4-5 स्कूल थे जहाँ ओ लेवल ए लेवल होता था, और किधर भी नहीं होता था. बाकी सब मैट्रिक बोर्ड लेते थे. मैट्रिक बोर्ड जब डी खराब हुआ लोग स्लोली, तो ये अब रिप्लेसमेंट में आखान यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन बोर्ड आया है, जिसके आप बच्चों की तारीफ कर रहे हैं, तो माशाल्लाह ये स्टार्ट किया 2008 में एग्जामिनेशन बोर्ड फर्स्ट, ओके, एंड इनके बच्चे माशाल्लाह अमेरिका में टॉप कर रहे हैं, मेडिकल फील्ड में, लॉयर्स में, तो माशाल्लाह दे ऑल डूइंग वेल. पहले भी दे वर डूइंग वेरी वेल, बिकॉज टीचिंग तो हमारी थी ना, हम ओवरऑल डेवलप करते थे, हम एग्जामिनेशन में चीटिंग पर नहीं डिपेंड करते थे कि बच्चे चीट करके पास कर लें. बिल्कुल, हमें हमारे बच्चों की कैपेबिलिटीज बिल्कुल पता थी. इसी तरह से जो मैंने प्रोग्राम शुरू किया स्कूल के अंदर शाम को, फ्राइडे सैटरडे संडे को, CSS का, इसकी वजह से शुरू किया. देखिए अगर अच्छे लोग गवर्नमेंट में नहीं आएंगे तो कौन चलाएगा गवर्नमेंट को? फिर हम शिकायत नहीं कर सकते. तो हम चाहते हैं अच्छे खानदान के बच्चे, गवर्नमेंट जॉब्स आर वेरी गुड, वेरी सिक्योर, अच्छे हैं, आप अपनी तालीम भी चालू रख सकते हैं, आप PhD भी कर सकते हैं गवर्नमेंट सर्विस में जाके. गवर्नमेंट बेताश स्पॉन्सर करती है, हमारे लोगों को पता नहीं है, प्रोविंशियल और फेडरल दोनों, CSS एंड प्रोविंशियल एग्जाम्स, ये चीज में जजेस हैं, ये सब कहाँ से आते हैं, मजिस्ट्रेट्स कहाँ से आते हैं, ये सब एग्जामिनेशन ये पास करते हैं तो आते हैं, एंड इसमें अगर इंटरेस्ट लें, अच्छे बच्चे आए तो मुल्क को आगे ले जाएंगे. उन्हीं में कंपैशन होगा, उन्हीं में पेट्रियटिज्म होगा, वो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो रूलर्स हैं,
वो गवर्नेंस देते हैं। तो अगर आप अच्छे लोगों को इंडक्ट करेंगे और तालीम नहीं और इनकरेज करेंगे, तो हम CSS को ज्यादा दर्जा इसीलिए दे रहे हैं कि गुड गवर्नेंस में यू नीड गुड ऑफिसर, चाहे वो फॉरेन में हो, कस्टम्स में हो, FBR में हो। तो माशाल्लाह वी आर वेरी हैप्पी कि यहाँ से हमने किए और काफी बच्चे जा रहे हैं, कोई एयरपोर्ट फोर्स में जा रहा है, कोई जुडिशरी में जा रहा है, कोई कस्टम्स में जा रहा है, FBR में जा रहे हैं, फॉरेन सर्विस में जा रहे हैं, लड़के लड़कियां बहुत, लड़कियों की हमारी पॉपुलेशन इज मोर एंड लड़कियां आर डूइंग वेरी वेल इन एग्जाम्स। अभी लड़कियों को आगे बढ़ना चाहिए इन चीजों में ताकि वो ज्यादा उनको अपॉर्चुनिटीज हैं। और मैं तो बच्चों को कहता हूँ, अब ये जमाना भले महंगाई महंगाई हम रोते क्यों है, तो बीवियां पढ़ी लिखी हैं, घर में रोटी पका रही हैं। अब यू डोंट नीड टू बी अ ग्रेजुएट रोटी पकाने के लिए, देयर मशीन्स फॉर इट। तो फॉर हेवन सेक, अगर आपने पढ़ाई की हुई है तो आप टीचर्स बन जाए स्कूल में। वी नीड गुड टीचर्स, क्वालिटी टीचर्स। आधा दिन का जॉब है, घर भी आपका अच्छा चल जाएगा, इकोनॉमिकली भी आप अच्छा हो जाएंगे, आपका पैसा मिलेगा, आप बच्चे के लिए कपड़े हैं, खुद के लिए हैं, खुद के लिए। देखिए आफ्टर ऑल मैरिड लाइफ में, चाहे लव मैरिज हो या कोई भी हो, खुशी उसी वक्त आती है जब आप इकोनॉमिकली भी स्ट्रांग, वरना सब चीज क्लैश हो जाती है अगर परेशानियां होंगी। तो ये अच्छे जॉब्स हैं, जितनी बच्चियां पढ़ी हुई हैं, हम हर वक्त एडवोकेट करते हैं कि प्लीज आप खुदा के वास्ते जॉब्स करें। हमारे आज हमारे TPL में माशाल्लाह से भी इंकरेजिंग गर्ल्स और दे आर डूइंग एक्सेलेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, HR हमारा हेड लड़की कर रही है। तो आप इसमें अगर आप करेंगे तो घर भी चल जाता है, बड़ी स्ट्रेंथ होती है बच्चियों में। सर बहुत बहुत शुक्रिया। और बिल्कुल जो है ना लास्ट मिनट है, ये रिकॉर्डिंग एक सिलसिला होता है कि अब जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो सर आप इसी तरह खिदमतें करते रहे, हम जितना हो सके हम अपने एंड से करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि अल्मुर्सा के जितने स्टूडेंट्स हैं जो जो कर रहे हैं कामयाब रहे हैं और जो पे बैक कर सकते हैं इंशाल्लाह करें। और बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल की सपोर्ट लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।